बिहार में डकैतों को दिन में भी पुलिस का डर नहीं है। होता तो सोनपुर में मंडल रेल प्रबंधक दफ्तर के बगल में पंजाब नेशनल बैंक में 5 अपराधी घुसकर दिन के 2 बजे हथियारों के बल पर दहशतगर्दी मचाते हुए लूटपाट करने के बाद होमगार्ड जवान की जान लेने से पहले हिचकिचाते, लेकिन कोई नहीं हिचकिचाया। एक होमगार्ड जवान को मौत के घाट उतार दिया। कैश बचाने के चक्कर में एक और होमगार्ड जवान बुरी तरह घायल है और मौत से जूझ रहा है। उसे पटना ले जाया गया है। घटना सोनपुर थाना क्षेत्र के DRM ऑफिस के पास की है, जहाँ 5 लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक में घुसकर करीब 12 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। घटना के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस क्रम में बैंक लुटेरों ने बैंक में तैनात होमगार्ड जवानों को गोली मार दी, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरा होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक होमगार्ड जवान महेश शाह बताए जाते हैं, जबकि राम नरेश राय का PMCH में इलाज चल रहा है। साथ नहीं हुआ, मेरे केबिन में आए, होमगार्ड ने उसको डिफेंस किया तो वो शूट कर दिया ब्रेन में, और फिर जो हुआ टेबल छिपे। कितना राउंड गोली चली, क्या देखे? 5 times गोली की आवाज आई, मतलब 1-2 अंदर केबिन और 4 ये हॉल में। 2 पुलिस थे, एक को पेट में गोली लगी, एक को ब्रेन में, ठीक है ना। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। एक की मौत हो गई पुलिस कर्मी की? हाँ, हॉस्पिटल से आया न्यूज, हम लोगों ने जब वो लोग चले गए तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, रेलवे हॉस्पिटल में, तो एक की डेथ हो गई और एक को PMCH रेफर किया। पाँच। कितना अमाउंट का लूट हुआ है? क्या 11-12 के लमसम में। क्या नाम हुआ मैडम आपका? पूजा। क्या है अभी बैंक में आप? ऑफिसर। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।